अलीगढ़ की ये तस्वीरें बता रही हैं कि शहर में सब कुछ ठीक नहीं। शहर के संवेदनशील मोहल्ले बाबरी मंडी में दुकान मकान बिकाऊ है कि बोर्ड लगे। जिन घरों और दुकानों पर बिकाऊ है कि बोर्ड लगे हैं वो हिंदुओं के हैं। साफ है मामला दो समुदायों से जुड़ा है। यहाँ रह रहे परिवारों का आरोप है कि महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटनाओं से तंग आकर कुछ हिंदू परिवार यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आरोप के मुताबिक बुधवार रात को बाबरी मंडी इलाके में एक महिला से छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर उसके परिवार वालों पर पत्थरबाजी की गई। घटना को लेकर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर छेड़छाड़ के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। ये ये यहाँ से जा रहे थे, यहाँ पर डेली का अड्डा बना रखा है, यहाँ लोग बैठे रहते हैं, यही शराबबाजी करते हैं, पकड़बाजी करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं। आईबीएन 7 ने ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। आप बताइए कि कुल कितने परिवार यहाँ पर होंगे और क्यों आप लोग इस तरीके का पोस्टर्स लगातार अपने घरों के आसपास लगा रहे हैं? जब हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर? हमें ऐसे मकान अपना बेच कर ही जाना पड़ेगा। कुल कितने ऐसे परिवार होंगे? 70-80 परिवार हैं, 30-35 परिवार ना घबराहट में है कि जाना चाहे यहाँ से, यहाँ सुरक्षा ही नहीं। लोगों का आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती मकान दुकान बिकाऊ है कि बोर्ड हटवा रही है ताकि मामला ज्यादा तूल न पकड़े। बच्चे निकलते हैं, स्कूल की बच्चियाँ जाती हैं, उन पर छींटा घसी होती है, घर की लेडीजें जाती हैं, बाजार जाती हैं, लौट के आके बताती हैं कि देखो वहाँ पे ऐसे कमेंटबाजी हो रही है, यहाँ लड़ाई आए दिन होती रहती है। कहीं किसी तरह की कोई ऐसी समस्या नहीं थी। हाँ, इस घटना को लेकर जरूर थोड़ा सा तनाव है जिसके चलते हम लोगों ने अभी वहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात किया है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब यूपी के ही कैराना से हिंदू परिवारों की पलायन की खबरों पर जमकर बवाल हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अलीगढ़ दूसरा कैराना बनने जा रहा है?